तेरा किया धरा है ये शहनाज, तू भड़काती रही है मेरी औलाद को मेरे खिलाफ। देख भाग गई है वो घर से, आ गया सुकून तुझे? सही कह रहे हो, मैंने उसे कहा था घर से भाग जाने से। मैं ये मंगनी नहीं करूंगी, और शमाइला का किया मैं क्यों भुगतूं? समीना तुम तो बात समझने की कोशिश करो। देखो हम तुम्हारा दुपट्टा इस तरह से सेट कर देंगे कि तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आएगा। आप ही के कहने पे तो मैंने रिश्ता फाइनल किया था, और आप कह रहे हैं अच्छे नहीं है। हाँ तो जब मुझे मजीद मालूमात मिली तो मुझे पता चला कि लड़का अच्छा नहीं है भाई, अरे जुआरी है भाई वो। अरे आ गया मेरा बेटा, जीता रहे। आ गए? कुछ पता चला मेरी शमैला का? क्या हुआ, कुछ बोलो तो। क्या बोलो, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। शौकत भाई ने कहा है कि रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, खामखम बात उछलेगी, जगह सही होगी। अगर वो शहर में है तो मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर भूल जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है, काम है ये उनका, नाबालिग लड़की लेके भागा है हैदर। जब तक वो मिलेगी ना तब तक बालिग हो चुकी होगी। कितनी आसानी से तुमने हार मान ली उस हैदर से, तुम्हारे पास उसका कोई अता पता नहीं, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी तक नहीं, एमए नौकरी पे रख लिया था उसे। जान जी 10 दफा मांगा था उसे शिनाख्ती कार्ड, हर दफा कोई ना कोई बात होती थी और वो बात टल जाती थी। क्या होगा, भूल जा मिट्टी डाल, जब सही हमारी फिक्र नहीं है तो हम क्यों खामखा सुनाएं उसके लिए। ऐसे कैसे भूल जाओ, औलाद है वो मेरी। अरे जा जाके शाम की तैयारी कर, आते ही मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। अरे शाम की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है बस। क्यों? जान जी सबको फोन करके मना कर दे, ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़के वाले सही नहीं है। है? सही नहीं है? मालूमात तो तूने सारी की थी ना उनकी। हाँ जी शौकत भाई से भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है, लड़के की मालूमात हासिल करने में। अब जाके पता चला है कि शराबी और जुआरी है, और अपनी पहली बीवी को जहेज के चक्कर में मार के निकाल भी चुके हैं वो घर से। हाय मेरे अल्लाह, ऐसे कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं शौकत भाई। अभी खाला को फोन करके ना सलील करती हूँ। मैं गालियां दे जाके उसे सलील करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा माँ जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से हर रोज एक नई मुसीबत आ जाती है। अरे तू फिकर ना कर मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुश रहे। हाय का शुक्र मेरी जान छूट गई। तुम्हें शर्म तो नहीं आई खाला, इस किस्म के लोगों का रिश्ता लाते हुए? वो तो हमने मालूमात करवाया तो पता चला कि लड़का शराबी जवारी है। तू दुश्मन भी ऐसा ना करे जैसे तुमने किया है। मुझे क्यों सुना रही हो, पहले अपनी बेटी के करतूत तो देखो, जो सारे मोहल्ले के लड़कों से चक्कर चला रही है तो उसके ऐसे ही रिश्ते आएंगे। बकवास बंद करे अपनी। मैं क्यों बकवास बंद करूँ, सच कहा तो कड़वा लगा। शाबाश निकलो यहाँ से। क्या 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 निकलो, आइंदा अगर इस घर का रुक गया ना तो टांगे तोड़वा दूंगा, समझे? देखो आशिक ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। ओ बेबी मुझे मत सिखा बात करने का तरीका, चल निकल। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है यहाँ रुकने की, सारा खानदान चूल्हे में जाए। तुम जाओ भाड़ में। आइंदा शुमाइला का जिक्र इस घर में नहीं होगा, जो कि मर गई वो मेरे लिए। पर कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया।
हेलो समीना। हेलो हमें सब कैसे हैं? घर का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है शुमाइला। तुम्हें पता है तुम्हारी जगह मेरी उस लड़के से मंगनी होने वाली थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है अब्बा अम्मा को उसकी असलियत पहले ही पता चल गई। और अम्मा? अम्मा का मत पूछ, अम्मा बेचारी बहुत रो रही थी और अब्बा भी बड़े परेशान हैं। वो परेशान होते हैं तो होते हैं, मैं तो सिर्फ अम्मा के लिए परेशान हूँ। खैर तुम बताओ तुम ठीक हो ना? सब ठीक है। शादी हो गई? हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो शुमाइला, हमेशा खुश रहो, अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलो अब मैं रखती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? देखो जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम रो, समझी? चलो आ तो बचो। चाय? हाँ इसकी बहुत जरूरत थी भाई ना। परेशान हो गए हो ना तुम? सर दबा दूं तुम्हारा? नहीं रहने दे, रहने दे। ऐसा क्यों किया शुमैल? पता नहीं कहां होगी तू, किस हाल में होगी। अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, उसे हर गम से महफूज रखना। आइए आइए शौकत भाई आइए बैठिए। हाँ जी। हाँ भाई क्या हाल है? क्या बना? आप पता लग गया भाई? अच्छा फिर? भाई जहाँ तक मेरी मालूमात है वो इस शहर में तो है नहीं और साहिवाल में भी नहीं रहता भैया। क्या करूँ? हाँ अजी मैं एक बात बोलूँ अगर बुरा ना मानोगे यार? नहीं भाई बड़ी को भूल जाओ और अब छोटी पे ध्यान दो और जितना जल्दी हो सके उसकी शादी करा। क्यों? अभी अभी बड़ी बहन भागी है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहन बड़ी बहन के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दे यार। और वैसे भी जिम्मेदारी जितनी जल्दी हो सके अपने कंधों से उठा। बात तो साफी से सच गई यार। एक और बात बोलूं? बड़ी को भूल जाओ भैया,
वैसे भी तुमने शादी तो कर ली, होना तो मेरे कुछ है नहीं। थोड़ा मान ले। नहीं नहीं शौकत भाई, मैं आपकी बात पे सोच रहा था कि जैसे ही कोई समीना का रिश्ता आता है मैं बस फौरन तय कर दूंगा। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा भाई कोई खाने पीने की चीज़ है? हाँ चाय लेकर आवे। हाँ चाय चाय ठीक है। बाजी क्या हो गया? शमाइला की याद आ रही है। बाजी क्या क्या शमाइला बाजी नहीं आएंगी? पता नहीं। शमाइला बाजी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कितना मजा किया करते थे, लूडो खेलते थे, साथ में कैरम खेलते थे। लेकिन बाजी हम सब को छोड़ गए। चल उठा माल। हाँ भाई 2000 रुपए हो गए आपके। 2000? अरे किस बात के 2000? भाई जो सामान है उसके 2000 रुपए, और कौन से मांग रहे हो? अगर ना दूं तो? क्या मतलब ना दूं तो? भाई गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। हाँ गुंडागर्दी, ले सकता है पैसे तो ले ले। बात सुन यार, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। पता है पूरा मोहल्ला एक है, तुम लड़कों का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। तो क्या कर रहा भाई? इसे देख रहे भाई, बात सुन। अबे कहीं 2000 के पीछे अपनी जान देने के लिए तैयार है? देख कहीं ऐसा ना हो कि तूने दिन में जितनी कमाई की है वो भी लूट के ले जाओ। और सुन, इसी तरह शॉपिंग करने के लिए आता रहूंगा, समझे? चल बे बैठ बैग पे। और हाँ क्या नाम है तेरा? है आशिक। हाँ आशिक, आशिक बन के रहे, बदमाश बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने, समझे? चलता हूँ। आशिक भाई। अरे क्या कर रहा है यार? अब ठीक है ना? पापा कौन है ये लड़के, तू जानता है इन्हें? मोहल्ले में नए नए आए हैं भाई, सब दुकानों से ऐसी लूट मार करके चीजें लेके जाते हैं ये। आप शौकत भाई से इनकी शिकायत क्यों नहीं करते? हैं? हाँ अबे हाँ, मोबाइल कहाँ है? मोबाइल तूने ले गए? अबे हाँ ये रखा। मैं मदद करवा दूं तुम्हारी? मर्जी तुम्हारी। परेशान लग रही हो, शमाइला के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ पता नहीं इस वक्त किस हाल में होगी कमबख्त। तुम्हारे ऐसे परेशान होने से क्या फायदा? हाँ ये तो है। वैसे मेरे इस घर में रहने से तुम्हें बहुत तंगी होती होगी ना? हाँ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं आशिक से कहूंगी कि मुझे अलग मकान लेके दे। इस तरह से तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो और मैं अपनी। क्या कहती हो तुम? मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। आशिक आएगा तो मैं बात करूंगी उससे।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम शेयर करने से पूछ लो। अरे आजा आशिक बैठ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है। हाँ बात ही कुछ ऐसी है। हुआ क्या है? चार पांच लड़के जो मोहल्ले में आए हुए दुकान पे आए थे, अजीब गुंडे टाइप के बंदूक के जोर पे सामान ले गए मुफ्त में दुकान से। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे भाई सही नहीं होता तो मतलब आपके सामने थोड़ी ना बैठा होता। तू परेशान क्यों हो रहा है? ले गए तो ले गए भाई। माँ जी परेशानी की बात यह है कि ये लड़के कहीं इस चीज को मामूल ना बना ले रोज का। अरे तो तू शौकत से बात क्यों नहीं करता? वो काहे के पैसे ले रहा है हमसे? सही है, करता हूँ बात उससे मैं। बस अब तू परेशान ना। और टेंशन हो गई मुझसे, एक तंबाकू वाला पानी खिला। वो समझते हैं कि हम बेबी को। मैं सोच रहा था कि रिजवाना को अलग घर लेके दे दूँ, क्या कहती हो? जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ तो ठीक है फिर, वो वो सब्जारी को बोलो कि घर खाली कर दे। कहाँ से आ रही है? तुम कौन हो? अरे मैं तो तुम्हारा नया मोहल्लेदार हूँ। तुम मोहल्लेदार हो तो क्या हुआ? हटो मेरे रास्ते से। अगर ना हटू तो? मैंने कहा ना हटो मेरे रास्ते से। अरे क्या रोते नहीं है? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? कौन है उसको? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे एक शरीफ लड़की को छेड़ दो तुम लोग। अरे मैंने आओ समीना तुम जाओ चाह। क्या बात है यार? अरे अरे जबरदस्त यार, कमाल कर दिया। अरे देखते जाएं आप आगे आगे क्या होता है, पहले इसके बाप को थमका के आया हूँ, अभी इसको आपका काम हो जाएगा। हाँ तुम बस इस बात बेटी को डराते रहो, ठीक है ना? ठीक है। कमाल कर दिया यार, बहुत ज्यादा जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू, चलता हूँ मैं। ठीक है शौकत। आजा भाई। हेलो शौकत भाई। हाँ भाई ख्याल रखिएगा मेरा। हाँ अरे तुम घबराओ नहीं। अरे ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई चलो। ये देख क्या भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर। बस कर दो। और कितना तैयार होगे तुम? जब चाय बनाने गई थी तब भी तुम्हें यहीं छोड़ा था मैंने। ये बताओ बाल सही लग रहे हैं? हाँ अच्छे लग रहे हैं। हाँ। आशिक हाँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक अलग घर लेकर दो। क्या कह रही हो? कहा ना मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अलग घर लेकर दो, जहाँ पे मेरा हक हो, सिर्फ मेरी मर्जी चले। इतने साल बहस और लड़ाई के बाद मैं तुम्हें इस छत के नीचे लेकर आया हूँ जहाँ तुम चाहती थी शहनाज के साथ रहना, तो अब तुम कह रही हो कि तुम अलहदा घर लेना चाह रही, क्या हो गया? हाँ तो मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यहाँ पे ऐसा होगा? मेरी तो यहाँ पे कोई बात चलती ही नहीं, यहाँ तक कि खाना भी सबसे पूछ के उनकी मर्जी का बनाना पड़ता है। हैसियत ही नहीं है मेरी कोई इस घर में, इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि तुम मुझे अलग घर लेकर दे दो। हाँ जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दो दो घर चला सकूँ। पहले भी तो चलाते थे ना यार। पहले की बात और थी, बस मैंने कह दिया ना। तुम्हारे कहने से क्या होता है, मुझे नहीं रहना है। कहां से ढूंढूंगा कोई दूसरा घर, ये बताओ। हाँ तो घर ढूंढने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा बराबर वाला मकान है ना जिसमें किराएदार रहते हैं, वो खाली करवा के मुझे वहां शिफ्ट करवा दो। शहनाज का घर है वो, किराया जो आता है ना वो घर के खर्चों में काम आता है। क्या बातें कर रही हो? हाँ तो तुम शहनाज से बात करके देखो। दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों औरतों ने मेरा।
जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, सुकून नहीं है मेरी जिंदगी में यार, हद हो गई है मतलब। अम्मा जल्दी आए, अम्मा जल्दी आए। क्या हुआ? अम्मा वो कुछ लड़कों ने आज बाजी का रास्ता रोक लिया था। हाय मेरे अल्लाह। कौन थे लड़के? अब्बा कुछ लड़के थे बाहर, वो बाजी के सामने आके खड़े हो गए और उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे। कौन थे लड़के वो? कह रहे थे कि मोहल्ले में नए आए हैं। वही है कमीने, कैसे रोकूं इन लोगों को। लेकिन वो जो सामने वाला शौकत है ना, वो वहाँ पर आ गया था। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, कहाँ से आ गए ये गुंडे बदमाश। तुम बच्चों को अंदर लेके जाओ, मैं शौकत से बात करूं। चलो पीर साहब, आपने जो तावीज मुझे दिया था वो तो असर ही नहीं कर रहा। बच्चा, गलती कुछ तेरी तरफ से। मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसा तावीज बना कर दें जिसकी वजह से आशिक सिर्फ मेरा होकर रहे और मुझे अलग कर लेकर दें। पहले तुझे हर हाल में वहां जाना था, जब तुझे वहां पहुंचाया तो अब वहां से निकलने की जिद लेकर बैठ गई। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरा ये काम करना होगा। अच्छा अच्छा, हो जाएगा तेरा काम। हाँ भाई, क्या हो गया खाने का? देर हो गई है। शौकत भाई, शौकत भाई, सलाम अलैकुम। अरे आशिक मियां, क्या हो गया, आज इस तरह से बुला रहे हो मुझे? शुक्रिया अदा करना था आपके शौकत भाई। किस बात का शुक्रिया, बताओ तो। आपने मेरी समीना की जान गुंडों से बचाई, शुक्रिया तो बनता है। आशिक मियां, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरा फर्ज है भाई। सही बात है, आपकी भी तो बेटियों जैसी है। आ, 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 क्या कह रहे हो आशिक मियां, ये इस तरह से मेरा मतलब है, छोड़ो इन बातों को। अच्छा मुझे ये बताओ, वो लोग तुम्हें तो परेशान नहीं कर रहे ना? अरे क्या परेशान नहीं किया है, आ जाते हैं दुकान पे पिस्तौल लेके, सामान ले जाते हैं, बहुत तंग करते हैं, ना जाने कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं। वैसे आशिक मियां, वो हैं तो गुंडे लोगों के, और यार उनकी पहुंच भी बहुत दूर तक है, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत है, मैं आऊँगा। जब भी कोई ऐसी मुश्किल हो ना, मुझे बताना, मैं संभाल लूँगा। बहुत खुशी होती है ईमान से आपको अपना दोस्त कहते, दिल खुश हो जाता। इसी खुशी में चले, कुछ खाने लगा था, आप भी आ जाइए। मैं आज तुम्हें खिलाता हूँ यार। क्या कह रहे? अरे आशिक मियां, रोजाना कमाते हैं, वैसे भी तुम्हारे अपने ही पैसे हैं। मैं मोटरसाइकिल आती हूँ। अरे रहने दो रहने दो, ये कोई नहीं उठाएगा, शौकत अली की है। ला भाई डबल लगा दे भाई। हाँ भाई, मुझे अलग घर लेकर दो, मैं नहीं जानती, जब तक मुझसे बात मत करो।
रिजवाना, जान जी मत किया करो, देखो मेरी बात सुनो, क्यों तंग कर रही हो मुझे? हाँ तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा भाई, मैं करता हूं ना शनाज से बात, बस वादा वादा, अब चले। गुस्सा मत किया करो, चलो। भाई वाह 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 वाह, मजा गया आज खाना खाने का। मानसे इतना मजे का खाना बनाया मैं बता नहीं सकता। शनाज ने पकाया। अच्छा वैसे तुम भी सीख लो इससे, बहुत मजे का गोश्त बनाती है शनाज। वो तुमसे कुछ एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि रिजवाना को अलग घर लेके दे दूँ, क्या कहती हो? जैसे तुम्हारी मर्जी। पहले कौन सी मेरी मर्जी से लाए थे जो ले जाने के लिए मुझसे पूछ रहे हो? हाँ तो ठीक है, फिर वो सब्जारी को बोलो कि घर खाली कर दे। क्यों ऐसी अचानक? वो भाई मैं रिजवाना को वही वाला घर दूंगा ना। फिर रिजवाना वहां क्यों रहेगी? वो मेरा घर है, तुम इसे वैसे रखो ना जैसे पहले रखा हुआ था। वैसे भी उस घर से 20,000 किराया आता है जो इस घर के खर्चे में काम आ रहा है। तुम दोगे मुझे 20,000 किराया? शर्म नहीं आएगी तुझे मुझसे किराया लेते हुए? फजूल की बहस ना कर आशिक, तू इसे पहले वाला घर क्यों नहीं लेके देता किराए पे? क्या बच्चों वाली बातें कर रही है, इतना दिन हो गया वो घर चढ़ गया किराए पे और इतने सस्ते में नहीं मिलेगा कोई और घर है। तो फिर इसे कह के यहाँ रहे सुकून से। और एक बात, तू इसे घर लेके दे रहा है, खुद कहाँ रहेगा, इसके साथ या यहाँ? जाहिर है मेरे साथ रहेगा, यहाँ तो बस ये आया जाया करेगा। रिजवाना अपनी ख्वाहिशात पे थोड़ा लगाम लगा, तू जो चाह रही है ना वो नहीं हो सकता। रिजवाना जान जी सुनो तो, क्या करती हो शनाज? क्या हो गया है जान जी, इस तरह खाना छोड़ के क्यों आ गई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। रिजवाना वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे इस तरह से तंग कर रही हो। बदल गए, जब से तुम मुझे यहाँ लाए हो तुम बहुत बदल गए आशिक। क्या बदल गया हूँ? तुम कह रही हो घर अलग लेके दो, ठीक है चलो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी औलादों को और मेरी माँ को अपने साथ लेकर रहोगी उस घर में? सवाल ही नहीं पैदा होता, मर के भी नहीं। तो फिर कैसे मैं तुम्हारे साथ किराए के घर में जाके रहना शुरू हो जाऊँ ये घर छोड़ के? बाहर में जा तू मेरी तरफ से। सारा कैसी बात कर रही है तुम? निकलो मेरे कमरे से। ये क्या कर रही है? निकलो मेरे कमरे से, तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों की जरूरत है। रिजवाना आशिक मेरी तरफ से तुम दफा हो जाओ। रिजवाना दरवाजा खोलो, हद हो गई हर चीज की, पड़ी ना फिर कमरे में। रिजवाना ने क्या तमाशा खड़ा किया हुआ? और सुन, ये घर वर उसे देने की जरूरत नहीं है, कब्जा कर लेगी। जब ही मैं कहूं मेरे साथ इतनी मीठी क्यों बन रही थी? बहुत ही तेज औरत निकली है।
तू भी खाना बेटा। चना जी खाओ। खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे? अरे 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 रुको 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 भाई रुको, कहाँ जा रही हो? देखो यार क्या बात है, तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अच्छा मुझे रुको, रुको, मुझे मुझे ये बताओ तुमसे डरती क्यों? जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। अरे क्यों नहीं करनी बात भाई, क्यों नहीं बात करनी? देखो सच्ची मोहब्बत करने वालों से इस तरह का सलूक नहीं किया जाता जानू। मोहब्बत? हाँ। उम्र देखी अपनी? देख एक बात समझ ले, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और कसम से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया था ना? जाओ यहाँ से। अरे 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 महबूबा। अबे वालेकुम सलाम, खाता तो पूरा कर दे भाई। अबे पैसे तो दे जा। अबे यार कौन आदमी है? ओए जबारी तरह। जी आशिक भाई। बात सुनिए, जो दुकान खुल रही है जी, ये कौन है, ये क्या है? ये कोई कॉस्मेटिक की दुकान खुल रही है भाई। कॉस्मेटिक की? जी भाई। यार ये अच्छा हो गया यार, मोहल्ले में थोड़ी रौनक आ जाएगी अब। है कौन जिसने दुकान खोली है? कोई नया आदमी है। नया आदमी? सही है भाई, एक काम कर, मुलाकात हो तो जरा अपनी मुलाकात करवा उससे। जी ठीक है, है मिलना जरूरी है। ठीक है भाई। कॉस्मेटिक की दुकान है। तुमसे दो टोक बात करने के लिए आई हूं, मैं आ नहीं रहना चाहती और मैं जानती हूं कि तुम भी ये जानते हो। फिर क्यों जिद कर रही हो? जिद मैं नहीं, जिद तू कर रही है। आशिक मेरा शौहर है, मैं उसकी पहली बीवी, तुम इस तरह से उसे उससे छीन कर नहीं ले जा सकते। आशिक तुमसे नहीं सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, सिर्फ मुझसे। अच्छा तो फिर वो चला क्यों नहीं जाता तुम्हारे साथ? ना गरूर मत कर रिजवाना, कहीं कल को तुझे भी ये दिन ना देखने पड़ जाए। आशिक मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता, ऐसा तुझे लगता है? जो मर्द दूसरी शादी कर सकता है वो तीसरी चौथी भी कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूं मेरा आशिक कभी ऐसा नहीं करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा, इसलिए फजूल की जिद छोड़। बस 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 बस। आशिक भाई। हाँ भाई। वो आए सलीम भाई, आपने कहा था ना मिलने को, ये आ गए। सलीम जी भाई। हाँ। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आओ। ओए छोड़ सामान, चाय लेकर आ पहले। जी भाई अंदर आ। हाँ हाँ यहाँ से। हाँ भाई छोड़ दो, खुला छोड़ दो दरवाजा, आ जाओ। कोई यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है मोहल्ले में, सारी मोहल्लेदारी है भाई, आ जाओ। आशिक हुसैन। सलीम। क्या हाल है सलीम? यहाँ ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है यार, आपने ऐसी जबरदस्त दुकान खोली है माशाल्लाह से। हाँ ये कॉस्मेटिक की दुकान मेरी है। कॉस्मेटिक की है? क्या बात है, मतलब दिल खुश हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब शुक्रिया किस बात का भाई? है ना भाई,
तुमसे पहले यहाँ पे हकीम साहब की दुकान थी, बूढ़े बीमार लोगों की शक्ल देखने को मिलती थी। अब तुमने कॉस्मेटिक की दुकान खोली है तो जरा रौनक रहेगी यहाँ पे, दिल लगा रहेगा। काफी रंगीन तबीयत के आदमी है भाई, बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, अच्छी बात है। शादीशुदा है माशाल्लाह से, दो बीवियां हैं और तकरीबन 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह दो दो बीवियां और अभी तक शौक नहीं गया है। असल बात पूछो ना तो शौक दो बीवियों के बाद और बढ़ गया है। आपकी हो गई शादी वादी, माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं, कुछ हमें भी तो बताओ अपने बारे में। अरे वो आशिक जी, आशिक भाई क्या दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने मान से। तो क्या हुआ, आपकी तो दो दो बीवियां हैं, मतलब मेरी तो एक भी नहीं हुई। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं आशिक भाई, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। वो असल ना, वो जब अम्मा जिंदा थी ना, उनको कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। वो हर एक में से ऐप निकालती थी, किसी के बाल कम है, किसी की उम्र छोटी है। वो अभी देखो तो सारे ऐप मेरे अंदर। अम्मा के गुजर जाने के बाद फिर वो शादी का सोचा मैंने, लेकिन वो बड़ा भाई मेरा सारा पैसा लेके मेरा हड़प कर गया। अभी कुछ पैसा हाथ लगाया मेरे और दुकान खोलनी मैंने कॉस्मेटिक की। बैठो यार, तुमने तो बहुत दुख भरी कहानी सुना दी, कसम से दिल उमड़ाया एकदम से। बस अब बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। अरे वहां से आशिक भाई कसम खाओ, कसम खुदा की यार, टेंशन क्या है। आशिक भाई एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, वो ना आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी पे एकदम फिट बैठता है ना। आपने भी सोच के रखा था। अबे चाय नहीं लाया अभी तक मान से यार, बैठो बैठो चाय आ रही है। अबे ले भी आ, चाय बनवा रहा है, पाय बनवा रहा है। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है इस्माइल और हैदर के? खुश हैं दोनों। अच्छा तुम ये बताओ कि घर में मामला ठंडा हुआ? कब का हो गया, अब तो सब भूल भी गए उन लोगों को और अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। अच्छा वाकई तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? नहीं, मैं जब भी फोन करती हूँ फोन ऑफ जाता है, शायद सिग्नल का प्रॉब्लम। जब से ये रिजवाना यहाँ आई है, मुसीबतों ने इस घर में डेरे ही डाल दिए। रिजवाना का क्या ताल्लुक है इसमें? मोहब्बत तो मैं तुम्हीं से करता हूँ। आपस की बात है, तेरी बेटी पे दिल आ गया है। मेरे अल्लाह, कौन सी नई मुसीबत आ गई है? 2,00,000 रुपए, वरना लड़की को उठा जाए।